संजय कुलकर्णी सर, एक सिचुएशन ऐसी होती है कि जहां हार तय है, इस पूरे सिचुएशन में वॉर हो चाहे ना हो, इसमें बाजी किसके हाथ से निकल गई है, आपको क्या लगता है? मुझे तो अभी ऐसे लगता है कि रूस का पलड़ा भारी है आज के तारीख में, कोई शक नहीं। अगर आप 2013 में देखें, जब वो चाहते थे, यूक्रेनियन जो चाहते थे कि रूस के जो प्रॉम्प्ट प्रेसिडेंट है उसको निकाला जाए और उनका फिर नाटो की तरफ ज्यादा ध्यान गया, उस वक्त 8 लाख लोग रस्ते पर थे। आज जब जिस तरीके से प्रोपेगेंडा, हिस्टेरिया, पैनिक दुनिया भर का सोशल मीडिया भरा है, यूक्रेनियन जिनके वहां के जो लोग हैं, मेरे चंद एक दोस्त हैं, बिल्कुल शांत है। 1-8 हजार लोग भी रस्ते में नहीं आते हैं बताने के लिए कि तो ये आप जैसे अतुल जी कह रहे हैं, मेडिकल स्टूडेंट है, सोशल मीडिया बता रहा है कि कुछ हो रहा है। जमीन के ऊपर हालात बिल्कुल अलग है। जमीन, यही कारण है कि 20 हजार भारतीय जो उधर हैं, चाहे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, आप कोई पैनिक के पैनिक कौन देश कर रहा है? वही देश कर रहे हैं जो नाटो या अमेरिकन सपोर्टर्स हैं, वो पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। तो वो पैनिक नहीं है। प्लस आपको आश्चर्य होगा, क्रुश्चेव और ब्रेजनेव दोनों में यूक्रेनियन खून है। ऐसे हो नहीं सकता। बार बार पुतिन यही कह रहा है कि यूक्रेन जो है वो उनका उन्हीं के जैसे हैं, वो कभी भी हमला नहीं करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कैपेबिलिटी जो है हर एक को दिखा रहा है कि अगर आपके पास ये है तो मेरे पास भी है। एक अकेला रूस और 30 देश नाटो के खड़े हैं, तब भी वो हमला नहीं कर सकते, ना करेंगे। जरूर इस तरह का होगा। मैंने जैसे कहा, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में है आज रूस, और उस तो आप मानते हैं कि रूस की स्थिति कहीं ज्यादा मजबूत है पहले से। इस बार जो तनाव हुआ है उसमें कम से कम इतना तो नजर आ रहा है, एक तरफ रूस है और बाकी तरफ नेटो और अमेरिका के सारे देश एक साथ खड़े हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।